गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमने पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे आता अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट कौन सा है इसमें, 64/455। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेबिटिंग। पी वाई क्यू फॉर्म में वेरिएशनल नंबर थे, तो आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बताने के लिए आपको सिंपल सा एक मेथड फॉलो करना होता है। वो मेथड कौन सा है कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में, और 2×5 की फॉर्म में, वो टर्मिनेट है। अगर इनके अलावा कुछ भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सिर्फ इतना सा बताना है। हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके फैक्टर कर लो 455। इसे फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, और 5 से डिवाइड होगा 91 पे। 45 में 9 टाइम 5 का डिवाइड कर दो, फिर 5 से डिवाइड हो नहीं रहा तो डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 से हो गया 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 है वो क्या है, 5, 7 एंड 13। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 इज 5, 7 इनटू 13। जैसे आपने डिस्कस किया था कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी करेंगे डिनोमिनेटर का, उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, 64/5×7×13 हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके डिनोमिनेटर में तो 5 तो है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, 7 और 13 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो आप डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा कि कोई ग्रुप ऑफ डिजिट होगा जो बार बार क्या होगा, इसमें रिपीट होगा। इसी का देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट है अपने पास 15/1600। फिर से वही प्रोसेस है अपनी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 करते हैं तो हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 1600 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 800 डिवाइड बाय 2, 400 अगेन डिवाइड बाय 2, 200 200 डिवाइड बाय 2, 100 2 से डिवाइड 50, 2 25 5 5 5, तो हमारे पास आ गया 2×2×2×2×2×2×5×5। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 आ गए और 5×5 2 टाइम आ गया। तो इसके फैक्टर हो गए 2×6×5×2। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 हो गया हमारे पास, 2×6×5×2। तो बेस में इसके क्या आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया, तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट होगा। ध्यान ये रखना है फिर से कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 दोनों हो तो ये टर्मिनेट होगा, नहीं तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया 15/2×6×5×2 and it will be terminate। और जब terminate होगा तो आप ये भी बता सकते हो कि how many decimal place that divide will be terminate, and the maximum power is 6, and after 6 decimal place the divide will be terminated। इस 6 digit के बाद में क्या होगा, terminate होगा। आपको maximum power देख के जो MCQs में question आता है तो आप ये बता सकते हो कि after 6 decimal places divide will be terminated।
ये डिवाइड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अगर एक और करें इसका, तो इसका सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में आपको इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन गिवन है, 129 अपॉन में 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5, 2 और 5 तो है लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो बाकी बचे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, इसमें सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है, फिर से अगर अपन इसको रिवाइज करें तो अगर डिनोमिनेटर में इसके 2 की पावर n, 5 टू द पावर n और 2m इन 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n है, तो डिवाइड क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और इनके अलावा अगर कुछ भी है, इनके साथ भी कुछ भी है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। थैंक यू। इससे आगे जो अगर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।